मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो हमें गाइड किया है, हिदायत दी है, रास्ता दिखाया है, उन रास्तों में हमें बताया है कि तुम्हारे दो किस्म के अमल हैं, दो अक्साम हैं आमाल की, उन दोनों को ठीक करना पड़ेगा। एक है ज़ाहिर और एक है बातिन। ज़ाहिर तो वाज़े है, चोरी ना करे इंसान, झूठ ना बोले, वालदैन की फर्मा बरदारी है, एक दूसरे के हुकूक हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ाहिर उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक के अंदर का इंसान ठीक ना हो जाए, जिसे दिल कहा जाता है। फरमाया इन नफिल जैसा दी मुज़गा, जिसम में एक टुकड़ा है, इदा सलाहत सलाहल जैसदु कुल्लुहु, ठीक होता है तो पूरा आदमी ठीक हो जाता है, वो टुकड़ा ख़राब होता है तो पूरा आदमी ख़राब। फरमाया वो दिल है। मसला ये है कि इंसान जब जिस्म से कोई अमल करता है, उसके बारे में फ़ैसला बहुत आसान होता है कि ये अमल ठीक है या गलत है। ये बहुत आसान है फैसला करना। एक आदमी झूठ बोल रहा है, फैसला करना आसान है, भाई ये क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है गलत कर रहा है, बोले ना, गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। एक आदमी जिना कर रहा है, तो जो शरीयत को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनके लिए ये फैसला करना बहुत आसान है कि ये सही है या गलत है, बोल लो ना, गलत। एक आदमी वालदैन के हुकूक अदा नहीं कर रहा, बहुत आसानी से आप फैसला कर सकते हैं कि ये गलत कर रहा है, एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आप बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं कि ये गलत कर रहा है। लेकिन दिल के अंदर जज्बात क्या हैं, सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, उसके बारे में दूसरे को तो पता ही नहीं होता कि ये क्या सोच के बोल रहा है। लिहाजा उसके लिए अंदर का फैसला करना तो बहुत ही मुश्किल। मसला ये है कि जिसके दिल में गुजर रही होती है ना, जो जिसका दिल खराब होता है, खुद उसको भी नहीं पता होता कि मेरा दिल खराब है। दिल की खराबी है दुनिया की मोहब्बत, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को डिफाइन करना ये आसान काम नहीं है। कुछ तो आसानी से समझ में आ जाएगी, ये कुछ उसूल तो ऐसे हैं जिनसे समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो दुनिया की दिल में मोहब्बत है या नहीं है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक इंसान खुद ना चाहे अपनी इस्लाह, और जब तक अपने बारे में ये फर्ज करना ना छोड़ दे कि मैं ठीक हूं, उस वक्त तक ये बीमारी ठीक नहीं होती। हम में से हर एक के साथ मसला ये है कि वो अपने आप को अंदर से ठीक समझता है, ऊपर से गलत समझ लेगा। भाई कोई चोरी कर रहा है, उसे पता है मैं गलत हूं, ऊपर से, अंदर से वो अपने आप को क्या समझ रहा है, बोल लेना यार। हर आदमी ये अपने बारे में खुशफहमी में मुबतला है कि मैं अंदर से क्या हूं, हाँ चोरी कर ली थी उस दिन मैंने, गलत किया, नहीं करनी चाहिए, अंदर से बहरहाल मैं क्या हूं, मैं सही आदमी, मैं गलत थोड़ी हूं, हाँ उस दिन मैंने झूठ बोल दिया था, बोल लेता है इंसान यार, चलता है मार्केट में, इतना तो चलता है, अंदर से मैं बहरहाल बंदा मैं ठीक हूं यार, उस दिन गलती हो गई थी, आंख मटक्का हो गया था,
आंटी जा रही थी, ज़रा घूर के देख लिया, गलत किया, इंसान है, अंदर से क्या हूँ मैं? ठीक आदमी। उस दिन अब्बा से जरा ऊंची आवाज से बात हो गई थी, गुस्सा आ गया था, बाप से बदतमीजी हो गई थी, हो जाता है यार, इंसान हूं, अंदर से मैं गलत, पता नहीं नहीं बोलने में क्या प्रॉब्लम है यार, अंदर से मैं गलत नहीं, बंदा मैं ठीक। दूसरे के बारे में पता है क्या उल्टा है नजरिया, दूसरे के बारे में इसी को बिल्कुल उलट कर ले, बिल्कुल क्या कर ले, उल्टा। ये जो फला से अच्छा काम हो गया, काम तो ठीक हो गया, अंदर से बंदा ठीक नहीं है। मुंह से तो कह रहे होते हैं बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन दिल में होता है कि बंदा ठीक है नहीं, ये तो शो मारने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ये जो अपने बाप का इतना चमचा बना हुआ है, काम तो ठीक है, बाप की इताअत करनी चाहिए, लेकिन बंदा ठीक, इसके लालच है, विरासत चाहता है, चाहता है अब्बा जोश में आके सारी जायदाद, बंदा ठीक नहीं है ये, अंदर से बिल्कुल भी ठीक। ये जो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत और इतने ख्याल और इतना केयर कर रहा है, तो केयरिंग पर्सन नहीं है, बाप कहेगा जोरू का गुलाम है, अंदर से ये बंदा ठीक नहीं है। सास भी यही कहेगी कि ये मेरा बेटा, ये ऐसा नहीं है कि इसको लवेरिया हो गया है, एक मलेरिया होता है, क्या होता है लवेरिया जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अंदर से ये बंदा ठीक नहीं है। अपने बारे में कैसा ही उल्टा अमल हो जाए, अंदर से हम ठीक हैं, दूसरा कितना ही अच्छा काम करे उसकी कोई लॉजिक। हालांकि शरीयत ने दूसरे के बारे में कहा है कि जब अच्छा अमल कर रहा है तो अंदर झांकने की कोशिश मत करो, अमल को देखो। साहब कहने लगे कि ये जो हमारी फौज ने 1000 किलोमीटर का बॉर्डर संभाला हुआ है, मुझे कहने लगे ये कोई मुजाहिद थोड़ी है, ये तो पैसों की तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुल्क का तो दिफा कर रहे हैं ना, 1500 किलोमीटर का, 1000 भी नहीं, बर्फ पोश पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर संभाला हुआ है, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां तो दे रहे हैं, समंदर संभाला हुआ है, तो मान लो कि मुजाहिद हैं, कितना अच्छा अमल है। नहीं जी, इनकी नीयत क्या है, तनख्वाह। तो क्या मतलब, काम ठीक कर रहे हैं अंदर से ठीक, ये इल्ज़ाम लगा दिया ना अंदर से ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी है मैदान जंग में, जब मैदान जंग का मैदान गर्म होता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरगीब देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए फरमाते, मन कतल कतीलन फलहू सलबू, जिसने किसी को कत्ल किया ना मैदान जंग में, जो उसकी जेब से निकला वो कातिल का। अब देखो सहाबा लड़ तो जन्नत के लिए रहे हैं, आखिरत के लिए लड़ रहे हैं ना, लेकिन इससे मोटिवेशन मिलती है कि भाई जन्नत तो बाद में मिलेगी, अल्लाह की तरफ से एक और ग्रेवी पहले मिल रही है। तो दुनिया का भी तो इंसान मोहताज है या नहीं है, दुनिया में भी तो इंसान को वसाइल चाहिए ना, पैसे भी चाहिए, माल गनीमत भी चाहिए, साजो सामान भी चाहिए। तो सहाबा ने देखा कि भाई जन्नत तो मिल ही रही है, साथ में गरीबी में अगर हमें उसकी तलवार भी मिल जाए, उसका तीर भी मिल जाए, उसकी जिरा भी मिल जाए, जेब से पैसे पटवे से निकले, वो भी किसके हुए, हमारे, तो और अच्छा है, तो और जोश से लड़ते थे। अब हम जैसा कोई होता, हम कहते किसके लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए। भाई पैसों के लिए अगर सिर्फ लड़ रहे होते तो सहाबा तो तिजारत के जरिए भी पैसा कमा सकते थे ना। तो ये इखलास के मुनाफी नहीं है कि अगर आप आखिरत के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें मोटिवेशन के लिए दुनिया भी शामिल कर लें, इस ये इखलास के मुनाफी, यानी इसका ये मतलब नहीं कि आखिरत में आपको अब जजा ही नहीं मिलेगी। तो दूसरे का हर अमल, कोई हुक्मरान, कोई हाकिम अच्छा काम कर ले,
بھائی بہت اچھا کام کر لیا کسی صدر نے, کسی وزیر اعظم, کسی کی بات کر رہا ہوں, موجودہ کی بات نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کوئی بھی, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, کوئی بھی ہو, اچھا کام کر لیا. بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا. کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی حاکم, کوئی بھی حکمران, سیاستدان, کوئی بھی علاقے کا ناظم نے کام اچھا کر لیا تو جو اس کے اپوزٹ ہیں, اپوزیشن میں ہیں, کام تو اچھا ہے, بندہ ٹھیک نہیں. اس کی نیت یہ نہیں ہے, اس کی نیت تو ووٹ حاصل کروں میں. تو بھائی چلو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے, کچھ کر کے کچھ ووٹ حاصل کر رہا ہے نا, فری پھوکٹ میں تھوڑی حاصل کر رہا ہے. اور جو اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ حضرت نے الٹا کام کیا ہے. یہ جو حضرت نے اس دفعہ کرپشن کی ہے نا, یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اب دیکھو, اندر سے ٹھیک ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ جب حدیث کا جو میں نے پیش کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے, یعنی انسان اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. جو دل ہمارا دل جو ہے, جو مادی دل ہے, جو دھڑک رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پوری باڈی ٹھیک. اور جو روحانی دل ہے, اس کے ٹھیک ہونے سے ہماری روحانی باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. جسمانی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مادی دل کو ٹھیک کرنا نا, بھاگیں دوڑیں, اس سے ٹھیک ہوتا ہے. یہ پراٹھے کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. آج کل لوگ جو باڈی بنانے کے چکر میں ہیں نا, بریانیاں پھوڑ پھوڑ کے باڈی. کل میں کہیں کسی کیٹل فارم والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یار, میں نے کہا آپ لوگ بچھڑا پال لیں کہ کتنے لیتے ہو؟ دوست ہیں وہ, بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی, ٹھیک ہے, ان کے ریلیٹیو ہیں. میں نے کہا بھائی آپ لوگ بچھڑا, وہ بچھڑا پال کے دیتے ہیں دو سال میں نا, قربانی کے قابل بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک مہینے کے 35,000, ایک مہینے کے. تو دو سال میں نے کہا تو بہت زیادہ مہنگا. انہوں نے کہا لیکن وہ بچھڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ 50-60 lakh کا ہو جائے گا, یعنی آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے اس سے ڈبل پروفٹ دے کے جائے گا. کیا کھلاتے ہیں جی؟ بادام اور وہی تیل اور پستے اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار یہ تو 35,000 میں اگر 1 lakh والا بچھڑا 40 lakh کا ہو رہا ہے اور ایسا آپ بنا دیتے ہو, میں نے کہا حقر کو اگر میں اگر آپ کے پاس آ جاؤں اور دو سال میں مجھے ایسا بنا دیں آپ, اتنی کھلائی پلائی اور اتنی مینٹیننس, تو یہ تو بندہ پل, تو پھر ہم بچھڑا کیوں پلوائیں بھائی, ہم خود ہی نہ پل جائیں. تو میں نے کہا مجھ سمیت 4-6 آدمی اگر آپ کے پاس آئیں تو مہینے کا بتاؤ کتنا لوگ. میں چاہتا ہوں میں 1.5 crore کا ہو جاؤں, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں میں 1.5 crore کا ہو جاؤں, ایسا لگوں جیسے لاسانی کے بچھڑے دیکھے ہیں نا آپ نے, لاسانی اور دل پسند اور جو بڑی بڑی. میں نے کہا یار ہم بھی اگر ایسے ہو جائیں, سبحان اللہ. لیکن ایک فالٹ یہ ہے کہ وہ بچھڑا جب بنتا ہے نا دو سال میں, تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے. وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل, بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا, جب یہ چیزیں نہ کھائے, کھائے تھوڑی کھائے اعتدال سے. خیر, تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے, اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی تو روحانی جسم بھی صحت, جسم سے نکلنے والے اعمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل گلستاں نا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یعنی ہمیں بہار کے موسم کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی, خزاں میں بھی مزے کس کے تھے؟ بہار کے. جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے
सहराओं में भी लुत्फ आता है उसको, खिजां के मौसम में भी लुत्फ आता है, इंजॉय करता है उसको। दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। दिल जब खिजां आ गई ना दिल के अंदर, परेशान हो गया दिल, तो पूरा जहान क्या नजर आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है वीरान। बहार के मौसम में भी खिजां महसूस हो रही है। तो दिल को सेटिंग पे लाना इंतहाई जरूरी है।